कभी रुलाता है, खासकर संकट के समय अनपढ़ होने की कमजोरी बहुत महसूस होती है। देखिए, इस नाटक में मनोरंजन के साथ साथ एक वास्तविकता भी है। अरे भगवान, कब तक ऐसे ही मुंह फुलाए बैठी रहेगी? अरे मोहन के भैया, तो काई करूं, मुंह ना फुलाऊ तो। आज अपने मोहन को गया, पूरा 7 रोज हो गए हैं और अब तक खबर की एक चिट्ठी को रही बाकी। वो तो मैं भी देख रहा हूँ और दुख तो या फिकर मुझे भी हो रही है, लेकिन मोहन की भाभी तू मानती कब है मेरी? मैं कह रहा था ना कि मोहन को मत भेज शहर में, मेरे साथ खेतों में काम करेगा, मेरी मदद भी हो जाएगी और आज ये दिन भी नहीं देखने को मिलता। मोहन की भैया, अगर इसी मोह को पता होती ना कि अपना मोहन ऐसा करेगा तो मैं आपको कभी भी कौन खिदाती, तुम्हारे लारे खेतन में ही भेज देती। लेकिन अब इस तरह से दुख रहने से क्या फायदा, सारा खेतों की तरफ नजर ही नहीं दौड़ाई, मैं खेतों में जा रहा हूँ। ठीक छे, यहाँ लो फावड़ा और जाओ खेतन में। अरे सुन, कहीं छे? आज डाके की हमारे गांव में आने की बारी है। पता है मोकू, मोहन की जरूर चिट्ठी आएगी आज। हाँ। और वो आ गई तो मुझे खबर कर देना। ठीक छे, मैं तुमको चपाल सो हेलो कर दूंगी। इसो पढ़ो लिखो काय फायदो, तुम्हारे एक भी चिट्ठी कौन डाली, मार तो इसो जी कर रहे, कुछ भी काम में जी कौन लगे, न खावा में न पीवा में, और तो मोकू रात को नींद भी कौन आए, करूँ तो काय करूँ। डाकिया, अरे या तो डाक बाबू की आवाज है, आज जरूर हमारे मोहन की चिट्ठी आई होगी। तो जो घर पे है? राम राम डाक बाबू। राम राम। घर में कौन? कहाँ गया? खेतन में गए हैं। अच्छा, खेतों में कौन जाए? अच्छा ले, जरूर हमारे मोहन की चिट्ठी होगी। कांसू आई है? अरे कानपुर से। कानपुर से तार आयो? तार। तार? हाँ। डाक बाबू तेरा ध्यान से देखो, तार को काई काम, मारे मोहन की तो चिट्ठी होगी। चिट्ठी? अरे तार है बाबा। तार? अरे डाक बाबू, अरे जो राम ने तो कितनी उम्मीदन से पढ़ायो, तो नौकरी तय मैंने कड़ौली बेच के नुकान पुर किनवायो, मारे मोहन के पहुंचा की कमर न आई तार आगो। अरे मोहन की भाभी, कहीं हो गो, इतनी जोर जोर से तू रो रही है, सारा गांव सर पे उठा रखा है। अरे वही दूर से ही बात करेगी कि पास आके मारो हाल भी पूछेगी। हाय दैया, अभी आई। सारा घर फैला हुआ है, अरे काई होगा? अरे मोहन की बुआरी। हाँ। मैंने तारे भतीजा को नौकरी ताई कानपुर की दुआयो। हाँ। चोगा करो, वा चोरा के पहुंचा की कोई खबर न आई तार आगो। अरे अरे मोहन की भाभी, क्या हो गया है? अरे राम कली आ रही है। अरे मोहन की ताई, अरे क्या हो गया है?
अरे अब तो लुट गया रही। अरे बात तो बताएगी क्या हो गया। अरे मोहन की ताई मैंने अपने मोहन को नौकरी ताई कानपुर दिलवायो। ये तो मुझे पता है। अरे वाके पूछा कि कोई खबर न आई तारा। अरे बारे तारा। अरे मोहन की भाभी। अरे आके अरे मोहन की चाची रे हम तो लुट गए रही। बता तो सही मोहन की कोई खबर नहीं आई तो मोहन तो क्या हो गया। अरे इतना मत रो रही। तरह जाके गुग्गी से गुड़ तो लिया। अरे बहन जी का मुंह मीठा कर निकाल। अरे बहन जी हम तो सोच रहे थे बुरी खबर आती है। हाँ। देख ली। अब तो पता लग गया ना तुम्हें बहन जी। अब तो पता चल गया। आज पता लगा कि पढ़वा लिखवा का कितना फायदा है। चलो चलो रे पढ़ो लिखो अब चलो चलो रे पढ़ो लिखो। भूले भटके नर नारी को रास्ता नया दिखाओ। भटके नर नारी को रास्ता नया दिखाओ। जगह जगह स्कूल खुले हैं आकर शिक्षा पाओ। जगह जगह स्कूल खुले हैं आकर शिक्षा पाओ। चलो चलो रे पढ़ो लिखो अब चलो चलो रे पढ़ो लिखो। औरत के लिए पढ़ना लिखना उसके आत्मविश्वास को जगाने की ओर पहला कदम है, पर परिवार में उसका क्या योगदान है इसको समझना और अपने को बराबर का साथी मानना बहुत जरूरी है। औरत को पूरे परिवार के विकास का केंद्र मानकर सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और बच्चों का विकास या डवाकरा कार्यक्रम चलाया है। डवाकरा कार्यक्रम की विशेषता है कि औरतों को एक साथ काम करने का मौका मिलता है। औरतें मनपसंद के काम कर सकती हैं, चाहे टोकरी बनाने का या मछली पकड़ने के जाल का। डवाकरा कार्यक्रम के अंतर्गत औरतों के ग्रुप को कुछ पैसे दिए जाते हैं, जिसमें से वे कच्चा माल खरीदती हैं, रोज का वेतन लेती और अन्य खर्च चलाती हैं। जिले के ग्राम्य विकास प्राधिकरण औरतों की हर तरह से मदद करते हैं। तैयार माल की बिक्री, बैंक से लोन और कई तरह की छूट दिलवाने में सहायता करता है। यही नहीं, अगर औरतें नया काम सीखना चाहें तो ट्राइसम से प्रशिक्षण भी मिल सकता है। इस समय देश के 56 पिछड़े जिलों में डवाकरा कार्यक्रम चल रहा है। औरतें एक साथ मिलकर अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन और जिलों में भी IRD के अन्य कार्यक्रम औरतों की सहायता कर सकते हैं। औरत जब घर से बाहर निकलती है और बहनों के साथ उठती बैठती है, कामकाज करती है और अपने दुख सुख को बांटती है, तो उसे एक नई दुनिया दिखाई देती है। इस नई दुनिया में उसे अपनी ताकत की पहचान होती है। इसी उद्देश्य से पिछले साल राजस्थान में महिलाओं का एक
सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए देश के दूर दूर गांव से और शहरों से बहनें एक जगह एकत्रित हुईं। इस मेले की खास बात यह थी कि सब बहनें मिलकर कुछ सोचना और करना चाहती थीं। रोज सुबह 600 से 800 औरतें तिलोनिया और आसपास के गांव में प्रभात फेरी में हिस्सा लेती। जो औरतें अपने घर की बेहली पर खड़ी थीं, उन्हें भी साथ लेने की कोशिश करती। हिचकिचाहट और शर्म छोड़कर रस्सा खींच जैसे खेल में भी उत्साह से भाग लिया। यह खेल जो आज तक मर्दों का खेल माना जाता है। और रस्सी टूट जाने पर गिरकर अनायास ही खड़ी हो नाचने लगी। मेले के चार दिन पहले कुछ औरतें जो दूसरे इलाकों से आई थी आसपास के गांव में जाकर रहीं, वहां की औरतों से जान पहचान की, उनका रहन सहन देखा। जिस हसिया से घास और फसल काटती हैं, उसी हसिया से घर में सब्जी काटने का काम भी लेती हैं। उनके जेवरों को देखा और अपने इलाके के जेवरों से तुलना की। और इस सब के साथ साथ उनके साथ नाच गाकर अपनी भी खुशी जाहिर की। और जमुरे तूने मेले में क्या क्या देखा? मैंने देखा पर एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रही अभी भी। कौन जमुरे? एक जगह बैठे बैठे तो सब लोग इतनी बातें कर रहे हैं, पर ये जो और तंबू तले हुए हैं ये तो सब तंबू खाली पड़े हैं। इनका क्या करेंगे, ये कैसे काम में लेंगे, मेरे को समझ में नहीं आया। तो मेले में जाके पता लगा के आए ना जमुरे? मैं तो मेले में गया, देख कर सब तंबू लगे हुए हैं। अब मैं इनसे पूछूं तंबू का क्या करेंगे। आगे तू मेले में आ गई, क्या सोच के आई? मैं सोच के आई जमुरो बता रही है तंबू को कहीं करने का आई है। हाँ। तो मारो बजार लान जगह अलग अलग ग्रुप फटना चाहिए। हाँ। अभी हम चर्चा भी होनी चाहिए,
गीत गाना भी होना चाहिए और वो पेंटिंग के लिए बोले कि ख्याल मांडे बढ़िया बढ़िया, तो वो भी मानना चाहिए। बहुत सी औरतों के लिए अपने गांव से बाहर निकलना और लोगों से मिलने का यह पहला मौका था। अपने घर के वातावरण से दूर एक दूसरे की बात सुनना, उनके बारे में सोचना और चर्चा करने का यह पहला अवसर था। नाच गाने के साथ साथ रोजगार, वेतन और स्वास्थ्य के बारे में भी चर्चा हुई। इस दौरान बाबा ने अपनी लड़की के साथ हुए बलात्कार की कहानी सुनाई। भोजपुरा से बाबा बाहर गए हुए थे किशनगढ़, और जब वह वापस आए तो उन्होंने उनकी लड़की को बताया कि मेरे साथ ये हुआ। रुगनाथ नाम का एक आदमी वो जो है मेरी लड़की को कहने आया कि तुम छाछ लेने मेरे घर आए, तो उस लड़की ने कहा कि मुझे छाछ नहीं चाहिए और मैं नहीं आऊंगी। तो वह लड़का, उस वक्त गांव में कोई नहीं था, उस लड़की को उठा करके उसके घर ले गया, उसके साथ में रैप किया। फिर उसके बाद बाबा के जो गांव में बाबा के काम थे उसके बाद कहा कि जयराम जी की, और मैं आज पूरे गांव को शामिल करके और इस तरह की बात करूंगा कि आपके लड़के ने मेरी बच्ची के साथ में इस तरह की ज्यादाती की है, बहुत ही बुरा काम किया। तो उसके बाप ने बाबा को उल्टा कर दिया थी, तब बाबा थाने के चक्कर में गए और उसके बाद में डॉक्टर मुआयना कराने के लिए छोरी को बुलवाया। डॉक्टर ने कोई अच्छी तरह से मुआयना नहीं किया और बाबा की जो बात का वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। बाबा के साथ जो हुआ है ऐसे हम लोगों के साथ बहुत सारे गांव है, और जहाँ जहाँ अलग अलग गांव से आए हम लोग, वहाँ भी इस तरह की बातें हो रही है। ये सुनकर औरतें तिलमिला उठी। अकेली औरत इस अत्याचार को चुपचाप सहती रहती है, पर मेले में जहां सब औरतें इकट्ठी थी अपना गुस्सा और दुख प्रकट करने के लिए, सब मिलकर जुलूस में मजिस्ट्रेट के दफ्तर गईं। किशनगढ़ की सड़कों पर बरसते पानी में एक दृढ़ संकल्प के साथ मौन जुलूस में आगे बढ़ती गईं। मेले का हमें काफी दिनों से इंतजार था, क्योंकि हमने मेले तो बहुत देखे लेकिन महिला मेला कभी नहीं देखा था। गांव की औरतों में हमें इतनी शिक्षा नहीं है, कहता कि इतनी औरत बेली वेली में एक एक बात सुना ला बया नके वाला, तो मान शिक्षा मिली। यहाँ आके ऐसा लगा कि जो भी सारे बंधन थे और जितनी हिचकिचाई थी वो सब खत्म हो गई थी, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे लगा कि गाँव और शहर की औरतों में जब हम औरतों की समस्या की बात करते हैं ज्यादा अंतर नहीं है, हम सब बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। गांव की औरत घूम ऊपर कर मीटिंग में बैठी तो दो बात बातें सुनी, तो ऐसे मेरा हमेशा बड़ो चीज है माना भी औरतें बुलावा की करो चीज दूसरा देश में, दूसरा देश की औरत आई मन अच्छी लगी। मेले के आखिरी दिन कुछ औरतों ने झिझकते हुए, कुछ ने एक आत्मविश्वास के साथ यह बताया कि यहाँ आने से उन्होंने क्या कुछ पाया है। देश के अलग अलग भागों से आई औरतों से संपर्क बना, एकता की भावना जगी, औरत के हालात बदलने की सभी ने मिलकर ठान ली। कौन काठ पर